उड़ीसा के बालासोर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बहानागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की सूचना है। रेल हादसे के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना स्थल पर 15 एम्बुलेंस पहुंच गई है, जबकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे के एक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों को सोरोग CHC में शिफ्ट किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पलट गए हैं। CPRO दक्षिण रेलवे के मुताबिक कई बोगियों के पटरी से उतरने की सूचना है। भारतीय रेलवे ने फंसे यात्रियों के परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी यात्री को अपने परिवार के सदस्य को लेकर जानकारी चाहिए तो वो इमरजेंसी नंबर +91 678 262 286 पर फोन कर सकते हैं। ट्रेन हादसे के बाद राहत ऑपरेशन जारी है। बता दें 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से दोपहर 3:20 पर रवाना होती है। कुल 1656 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगली शाम 4:50 पर यह ट्रेन MG रामचंद्र स्टेशन पहुंचती है, जो चेन्नई में है। ट्रेन बालासोर के पास हादसे का शिकार हुई है। ये ट्रेन शाम 6:32 पर बालासोर पहुंचती है। उड़ीसा में हुए इस ट्रेन हादसे के बाद फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। इस हादसे से जुड़ा हर अपडेट लाइव हिंदुस्तान आपको देता रहेगा।